पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी ने भी इसे स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पिछले 6 महीने से यहां काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव द्वितीय चरण में होना है। 26 अप्रैल को यहाँ की जो जनता है वो अपने वोटिंग का मतों का उपयोग करेगी। अब किन किन मुद्दों पे चुनाव होगा, हमारे साथ में पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी जी हैं, हम बात करते हैं। क्योंकि 10 साल आपके सामने में एनडीए के जो यहाँ पे सांसद थे वो थे, अब यहाँ से आरजेडी को टिकट दिया गया है, पप्पू यादव भी, तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि सबसे पहला मुद्दा तो ये है महागठबंधन का कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को और जेडीयू को यहाँ आने नहीं देना है। पप्पू यादव को कितना चुनौती मानते हैं इस लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि आप पुराने आप कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, विधायक रह चुके हैं, तो इस जगह के इस समीकरण को आप किस रूप में देखते हैं कि पप्पू यादव आपके महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती है? पप्पू यादव यहाँ 6 महीना से काम कर रहा है, दिन रात सुबह शाम वो अपना कार्य कर रहा था। चुनौती कितना मान रहे हैं भाई? 6 महीना से जो काम किया है यहाँ और हम आज आए हैं तो चुनौती तो होगा ना। बीमा भारती अपना काम रुपोली में करती थी, वो अभी आई है आरजेडी से। टक्कर किससे मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, पप्पू यादव संतोष कुशवाहा से या फिर बीमा भारती संतोष कुशवाहा से या त्रिकोणीय? त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ, त्रिकोणीय संघर्ष। देखिए, ये पूर्व विधायक अमरनाथ तिवारी थे जिनका सीधे तौर पे कहना है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। पूर्णिया से कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।